हेलो फ्रेंड्स, एक लंबे इंतजार के बाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान न्यायिक सेवा की भर्ती निकाली है। कोविड के चलते ये बार बार लेट होती जा रही थी। अब जबकि कोविड थोड़ा नियंत्रण में आया है, राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान न्यायिक सेवा भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की विज्ञप्ति अल्टीमेटली जारी कर दी है और ऐसे हजारों की संख्या में हमारे एस्पायरेंट्स जो 2 साल से 3 साल से इंतजार कर रहे थे कि वो राजस्थान न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे, उनके लिए वो स्वर्णिम अवसर जो है वो अब आप निकल गया है। तो दोस्तों, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि जो ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा राजस्थान न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की वैकेंसीज निकाली है वो कितनी है, क्या है, कैसे हम आवेदन करें और साथ ही इसका सिलेबस क्या होगा, तो इसके इस पे संक्षेप में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट ने 22/7/21 को कुल 120 वैकेंसीज पे भर्ती निकाली है, जिसमें 89 वैकेंसीज जो है वो 2020 की थी और 31 वैकेंसीज जो है वो 2021 के लिए निकाली है। ये कैटेगरीकली रिजर्वड पोस्ट है, एज पर रूल जिस प्रकार से रिजर्वेशन दिया जाता है उसी प्रकार से 89+31 यानी कुल 120 वैकेंसी जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट ने इसमें निकाली है। तो इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ही हम चर्चा करें और इसी बेस पे आगे बढ़े, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रतिभागी होंगे उनको तैयारी करनी है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही करनी है। यहाँ मैं आपको ये भी राय देना चाहूंगा कि आप सिलेबस से बाहर करते ही नहीं है, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी करनी है, हार्ड वर्क करनी है। उससे बाहर जाएंगे तो हमारा समय निश्चित रूप से जाया होगा जो कि यूजलेस होगा। तो कैसे हम यूजफुल बनाए, उसके लिए हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस आगे बढ़ना है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि दूसरा ये है कि जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें वेरियस कैटेगरीज के लिए अलग अलग रिजर्वेशन भी दिया गया है जो कि एज पर रूल होता है। अब देखेंगे इसमें जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एनबीसी है, इन सबको जो है वो रिजर्वेशन दिया गया है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात जो विज्ञापन में की गई है वो है कि किसी कोई भी ऐसा भारत का नागरिक जिसने कम से कम 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, मींस ये पहले 23 इयर्स हुआ करती थी लेकिन लास्ट ईयर जो विज्ञापन आया था उसके बाद में इसमें इसको कम करके रिड्यूस करके 21 ईयर कर दिया गया है, क्योंकि हमारे जो 21 ईयर के जो एस्पायरेंट्स हैं विशेष करके वो जो कि फाइनल हो करके आए हुए होते हैं वो 21 साल में लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं और उसके पश्चात जो है वो उसको 1 से 2 साल तक इंतजार करना होता है। तो उस इंतजार को ना करना पड़े इसके लिए ये जो है वो आयु सीमा में राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा कमी की गई है। इसके अलावा जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो कोई भी लॉ ग्रेजुएट जो कि भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएट किया हो या फिर वो अंतिम वर्ष की परीक्षा में अपीयर हो रहा हो वो भी आरजेएस के लिए आवेदन करने के लिए पात्र व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है। यहाँ प्रोफेशनल डिग्री का होना आवश्यक है, ये मैंने आपको बताया कि अंतिम सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें बैठ सकते हैं। और फिजिकल फिटनेस की बात की गई है, नेशनलिटी की बात की गई है, इंडियन होना चाहिए। आयु के बारे में मैंने आपको बताई दिया कि 1 जनवरी 2022 को वो 21 साल का हो लेकिन 40 वर्ष की आयु उसने पूरी नहीं की हो। इसके अतिरिक्त रिजर्वड कैटेगरीज को 5 वर्ष की आयु सीमा में 40 के बाद भी छूट दी गई है। आयु सीमा में शिथिलता केवल एक श्रेणी के दो एक बार ही देख होगी। इसके अतिरिक्त उसको गुड कैरेक्टर का होना चाहिए। एग्जाम फॉर्म जब आप भरेंगे तो सारी औपचारिकता फिल अप करने के बाद में जो फीस का कॉलम आएगा उसमें मैं आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 750 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया और फिजिकल हैंडीकैप और एससी एसटी के लोगों के लिए 500 रुपये जो है वो आवेदन शुल्क रखा गया है। परीक्षा शुल्क किसी भी कंडीशन में आपको वापस नहीं होगा अगर आप एग्जाम ना भी देना चाहें तो। और डिस्क्वालिफिकेशन कुछ दी गई है, जैसे आपको एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति होना चाहिए, उसके एक से अधिक जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए और डिसेबिलिटी को जो वो इसमें डिफाइन किया गया है कि वो नैतिक अध्ययनता और अंतर्निहित किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध
नहीं किया गया होना चाहिए। इसके साथ ही राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 के प्रारंभ की तारीख के पश्चात उसके दो से अधिक संतान ना हो, तो ये जो है वो इसकी डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई है। इसके अतिरिक्त अब हम मुख्य बिंदु पे आते हैं, परीक्षा की स्कीम क्या है और उसका सिलेबस क्या है। यहां मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सीधे शब्दों में आपको समझाना चाहूंगा कि राजस्थान न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 तीन चरणों में आयोजित की जाएगी। सबसे पहले इसमें प्रारंभिक परीक्षा होगी, जो स्टूडेंट्स प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे उसको मुख्य परीक्षा के लिए अर्हकारी माना जाएगा। इट मीन्स प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो पास करेगा वही मेंस एग्जाम में बैठेगा, बाकी के सब आउट हो जाएंगे। तो प्रीलिम्स में दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि प्रीलिम्स एग्जाम के मार्क्स मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे। इट्स सिंपली ए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कि आपने अगर प्रीलिम्स पास कर दिए तो आप मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए योग्य हो जाएंगे, उसके किसी भी प्रकार के मार्क्स जो मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे। तो जब आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पास कर लेंगे उसके बाद आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। यहाँ एक चीज और है कि जो आपकी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी और उसके उसका जो सिलेबस है वो मुख्य परीक्षा की तरह ही है कि आपका एक पेपर उसमें जो वो सिविल लॉ का इंक्लूड होगा, एक क्रिमिनल लॉ का होगा और दो पेपर लैंग्वेज के, यानी एक हिंदी का और एक अंग्रेजी का। इसमें यहाँ लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो मेन से डिफरेंट है, यानी यहाँ ग्रामर आएगी और मुख्य परीक्षा में केवल एसेज आपको लिखने होंगे। तो प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो बहुत तरीके से डिजाइन की गई है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने होंगे पर उसमें भी हिंदी और अंग्रेजी यानी लैंग्वेज को शामिल किया गया है। और जब आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आप उत्तीर्ण कर लेंगे तो उसके पश्चात जो है वो मिनिमम परसेंटेज भी इसमें बताए गए कि एटलीस्ट 40% मार्क्स जो जनरल कैटेगरी के आने चाहिए और 35% रिजर्वड कैटेगरी के आने चाहिए। उसके बाद जो मेरिट में आएगा उसमें संख्या के आधार पर सामान्यतः 10 गुना विद्यार्थी जो वो पास किए जाते हैं प्रीलिम एग्जाम में जितनी वैकेंसी होती है उसकी। तो ठीक इसी प्रकार से जैसा कि मैंने बताया कि जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे तो उसके पश्चात जो है वो आपको मुख्य परीक्षा है वो आमंत्रित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा का सिलेबस भी लगभग उसी प्रकार का है, एक पेपर आपका सिविल का होगा, एक हिंदी का होगा, एक क्राइम का होगा और एक लैंग्वेज का होगा। तो मुख्य परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी जो है वो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ जो चेंज होगा प्रीलिम्स से वो ये होगा कि मुख्य परीक्षा में आंसर्स को आपको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना है, यानी पेन से आपको कुछ शब्दों में अब सब सीमा भी उसमें हटा ली गई है, स्टूडेंट पे छोड़ दिया गया है, तो एक शॉर्ट एंड स्वीट रूप के रूप में आपको अपना आंसर वहां देना है। या एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि जो साक्ष्य विधि आपका लॉ ऑफ एविडेंस है वो न केवल सिविल विधि में काउंट होता है बल्कि क्रिमिनल में भी आता है, तो उसके क्वेश्चन जो आपको दोनों पेपर्स में मिलेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है साक्ष्य विधि, इसलिए उसकी जो कुल 167 धाराएं हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। सिलेबस की हम बात कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के बाद में मेंस जो है वो सब्जेक्टिव टाइप होगी और उसमें आपको आंसर लिखने होंगे, उसमें आपके चार पेपर डिस्क्रिप्टिव यानी सब्जेक्टिव टाइप होंगे और उसमें आंसर जो है हाथ को आपको आंसर शीट में लिखने होंगे। यहाँ जब आप मेन एग्जाम क्लियर कर लेंगे, इसके सिलेबस के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं, तो फिर आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ देखिए इसका सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा जो एडवर्टाइजमेंट राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा निकाला गया है उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिया गया है कि लॉ में जो है वो पेपर फर्स्ट और सेकंड होगा जो मेन एग्जामिनेशन के लिए होगा। इसके अतिरिक्त जो हिंदी प्रोफिशिएंसी की बात की गई है वो उसका सिलेबस इसमें जैसा कि मैंने बताया आपको संक्षेप में बता दूं कि ग्रामर आएगी लेकिन मेंस में ग्रामर नहीं आएगी। ठीक इसी प्रकार से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में भी ग्रामर आएगी जिसमें टेंसेज, आर्टिकल्स, डिटरमिनेशंस, फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल्स एक्सप्रेसिंग वेरियस कंसेप्ट्स, ये और एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ये इंग्लिश के सिलेबस में प्रीलिम्स के एग्जाम में शामिल है। तो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन करनी है।
मेन एग्जामिनेशन का बिल्कुल स्पष्ट हाईकोर्ट के विज्ञापन में बताया गया है कि लॉ में पेपर फर्स्ट और सेकंड होंगे जो कि 100-100 नंबर के होंगे और 3-3 घंटे के होंगे, सब्जेक्टिव होंगे। इसी प्रकार से लैंग्वेज भी सब्जेक्टिव होगी, उसमें आपको पेपर फर्स्ट हिंदी ऐसे का होगा और सेकंड इंग्लिश ऐसे का होगा, दोनों 50-50 मार्क्स के होंगे। यानी इस तरह से मुख्य परीक्षा जो है वो 100-100, 50-50 यानी कुल 300 अंकों की आपकी होगी। जो लॉ के पेपर है उसमें आपको 3-3 घंटे मिलेंगे, लेकिन लैंग्वेज के 2-2 घंटे मिलेंगे। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि उसमें आपको 2 आवर्स का समय ही मिलेगा, और जब आप मेंस पास कर लेंगे तो जैसा मैंने बताया साक्षात्कार होगा आपका 35 मार्क्स का। इस ये जो सिलेबस है बिल्कुल प्रेस्क्राइब किया गया है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको जो वो प्रिपरेशन करनी है। ठीक इसी प्रकार से जो है वो आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो अब मैं शॉर्ट में आपको जो चीजें बता दूं कि प्रीलिम्स होगी, प्रीलिम्स क्लियर करोगे तो मेंस में जाओगे, मेंस क्लियर करोगे तो साक्षात्कार में जाओगे। इस प्रकार से ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। सिलेबस को पूरी तरह से इसमें प्रेस्क्राइब किया गया हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरजेएस। इसके लिए दोस्तों एक पूर्व में मेरा मेरे चैनल पे यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है। अभी हम नए सिलेबस के आधार पर यानी इसमें कुछ 2 नए माइनर एक्ट्स जोड़े गए हैं, उन सहित और लैंग्वेज सहित अलग से एक वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप, ताकि आने वाले दिनों में आपको लगातार इस प्रकार के न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित वीडियो जो है वो मिलते रहे। थैंक यू सो मच।